हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और शॉपिंग का हॉल वीडियो फ्रॉम मीशो। तो आज के हॉल में जितने भी आउटफिट मैं शेयर करने वाली हूँ, इन सभी के इंडिविजुअल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएंगे, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलेगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हॉल वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं शेयर करूंगी, हम कुर्तीज से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अलग अलग टाइप की मैंने कॉटन की कुर्तीज परचेस करी है, साथ साथ कुर्ता सेट भी। तो स्टार्ट करेंगे कुर्तीज से। तो फर्स्ट जो हमारी कुर्ती रहेगी, यहाँ पे आपको नेक पे एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा। ये पूरा कुर्ता जो रहेगा, ये बेसिकली व्हाइट कलर में रहेगा। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलेगा। इस कुर्ती में आपको जो है ना, सिल्वर टोन में स्ट्रैप्स का पैटर्न मिलता है। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आप देख सकते हो, दोनों ही साइड में आपको जो है ना, हल्की हल्की स्ट्राइप्स की डिटेलिंग मिलती है, जो कि इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होगी, बट यस, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट कट में कुर्ता आता है। यस, ये कुर्ता ट्रांसपेरेंट है। आपको इसके साथ में कोई ना कोई इनर वेयर करना पड़ेगा। कुर्ते की जो लेंथ है वो मीडियम लेंथ का कुर्ता रहेगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, मीडियम लेंथ का ये कुर्ता रहेगा। तो अगर आपको ऑफिस के लिए डेली यूज के लिए कॉटन का कुर्ता चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बट यस, आपको इसमें इनर डालना ही पड़ेगा। साइज इसके अंदर मैंने लिया है एक्सेल, बट एक्सेल साइज में भी थोड़ा सा ये मुझे फिटिंग में टाइट हो रहा था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज आपको लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग परचेज करिएगा। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं शेयर करने वाली हूँ, ये कॉटन रेयन ब्लेंड फैब्रिक में आएगा। यहाँ पे आपको नेक पे एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलता है, बाकी पूरी कुर्ते पे आपको प्रिंट मिल जाएगा। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको प्रिंट मिलता है। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा। मीडियम लेंथ का कुर्ता है, डेली यूज के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप इसको जीन्स के साथ में, ट्राउजर्स, लेगिंग्स के साथ में कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। रेगुलर आप इसको वॉश कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। नेक्स्ट जो कुर्ती है, ये हमारी रेयन कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में आएगा। सो यहाँ पे ये जो है प्रिंटेड कुर्ता रहेगा, वायलेट कलर में। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, जिसमें आपको लेस का डिटेलिंग मिलता है बॉर्डर पे। और पूरा ये कुर्ता स्ट्रेट कट में आएगा। इसका कुर्ता का जो नीचे का पोर्शन है, वहाँ पे भी व्हाइट कलर का लेस का आपको डिटेलिंग मिलता है, जो कि फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड में आपको मिलता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, पहनने पर आपको बहुत ज़्यादा आरामदायक रहेगा ये कुर्ता। तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई करो। नेक्स्ट जो कुर्ती है ना, ये रेयन की कुर्ती रहेगी। सो यहाँ पे आपको ये नायरा कट में कुर्ता आता है, जिसमें आपको नेक पे जो है ना, सीक्वेंस का एंड थ्रेड का आपको वर्क मिलता है। राउंड शेप में नेक मिलेगा। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलेगा, जिसमें आपको सीक्वेंस वगैरह का डिटेलिंग मिल जाता है। बैक साइड से ये पूरा प्लेन रहेगा, और इस कुर्ते का जो साइड रहेगा, इसमें आपको कुछ इस टाइप का वर्क मिलता है। काफ़ी कंफर्टेबल कुर्ता है, आप इसको छोटे मोटे फंक्शन वगैरह में भी पहन सकते हो। और जो मैंने इसके साथ में बॉटम वेयर पहना है, वो मैंने ग्लोबस ब्रांड का, मेरे पास बॉटम वेयर है, जो कि मैंने मिंत्रा से लिया था। तो अगर आप में से किसी को उसको भी परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं सबसे ऊपर के ऊपर, या फिर फर्स्ट लाइन में, या फिर सेकंड लाइन में उसका लिंक भी आपको मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपको परचेज करना है तो आप भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने लिया था कॉट सेट। तो यहाँ पे जो कॉट सेट मैंने लिया था, ये मैंने साइज एक्सेल लिया है। ये है वैसे काफ़ी अच्छा, बट यहाँ पे जो मिडिल में जो बटन्स दी गई है वो ओपनेबल है, जो कि पर्सनली मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती। तो मेरे हिसाब से इसको स्टिच कर लोगे आप, तो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल लिए आप इसको वेयर कर सकते हो। डेली यूज एंड ऑफिस के लिए कॉट सेट काफ़ी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, कंफर्टेबल है। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलता है। तो क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बैक साइड से भी आपको प्रिंट मिलेगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट में आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके साथ में आपको मिलेगा ये बॉटम इसका, जिसमें आपको दोनों तरफ जो है पॉकेट दिया जाएगा। और यहाँ पे ये आपको पैंट मिलता है। ये जो पैंट है ना, इसका फ्लेयर देखो, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लिमिटेड फ्लेयर है। तो अगर आपका बॉडी टाइप जो है मेरे से थोड़ा सा कम है, तो और ज़्यादा अच्छा आपको फिटिंग मिलेगा। अगर मेरे जितना है तो भी आप पहन सकते हो, बट यस, थोड़ा सा मेरे को टाइट था ट्राउज़र। लेकिन अगर बॉडी टाइप आपका मेरे से थोड़ा सा चबी कम है, तो आपके ऊपर और ज़्यादा सही रहेगा। बट अगर आपको लगता है कि आपके लेग्स थोड़े हैवी है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो, क्योंकि क्या टाइट रहेगा, आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। ऐसे तो बहुत ज़्यादा सही है ये साइज, मैंने इसके अंदर एक्सेल लिया है। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैंने पिक करा है, इसका ट्रायल ऑन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मुझे स्मॉल साइज में रिसीव हुआ है। तो इसलिए इसका ट्रायल ऑन मैं शेयर नहीं करूंगी, बट यस, रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो,
आपको यहाँ पे ये स्ट्रेट कट में कुर्ता मिलता है, इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा और वी शेप में आपको नेक मिलता है। एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी रहेगा, बट बहुत ज़्यादा हैवी कुर्ता भी नहीं है, खादी कॉटन में आएगा। बट यस, खादी कॉटन का नाम सुनते लोगों को लगता है कि खादी कॉटन चुभेगा, इरिटेट करेगा, ऐसा नहीं है। खादी कॉटन का पहनने का और स्टिच करने का एक तरीका होता है। तो ये है खादी कॉटन टाइप का फैब्रिक, इसको वॉश करके जब स्टिच किया जाता है तो ये ना तो श्रिंक होता है ना ही ये इरिटेट करता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि इसका जो सारा जो करप है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी का इसमें काम रहता है कुर्ते पे। क्वालिटी अच्छी है बट यह साइज छोटा होने की वजह से मैं इसका ट्राई ऑन नहीं शेयर कर पाऊंगी। बैक साइड से पूरा प्लेन रहेगा, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलेगा, स्लीव्स में भी बॉर्डर पे आपको एम्ब्रॉयडरी का काम मिलता है। इसके साथ में आपको मिलता है यहाँ पे ये बॉटम वेयर जो कि ट्राउजर आएगा। ट्राउजर में ओके ओके टाइप का फ्लेयर आपको मिल जाएगा, एंकल लेंथ ट्राउजर रहेगा। यहाँ पे आपको सेम अगेन एम्ब्रॉयडरी का काम मिलता है। इसमें आपको जो दुपट्टा मिलता है वो पूरा प्रिंटेड मिलेगा, एंड आर्ट सिल्क का प्यारा सा दुपट्टा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये आपको मिल जाएगा आर्ट सिल्क का यहाँ पे दुपट्टा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप इस पीस को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो काफ़ी वाइब्रेंट सा कलर है और मिक्स एंड मैच बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि जो कुर्ती है, बॉटम है, वो काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर में है एंड दुपट्टा काफ़ी ब्राइट कलर में है, तो काफ़ी सुंदर एंड काफ़ी अच्छे से मिक्स एंड मैच होएगा। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैं शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे, ये रहेगा कॉटन का कुर्ता सेट। मेरे को जहाँ तक याद है मैंने इसका 800 या 900 ऐसा कुछ पे करा होगा, एग्जैक्ट प्राइस तो याद नहीं है, बट यस 800-900 तक मैंने इसका पे करा है। है ये प्योर अच्छा कॉटन में कुर्ता सेट है, साइज़ मैंने इसके अंदर एक्सेल ही पिक करा है और एक्सेल ही मुझे रिसीव हुआ है। बट इसका जो फिटिंग है वो स्लिम बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग है, चबी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर आपका बॉडी टाइप भी बिल्कुल मेरे जैसे चबी है तो आप इसको स्किप कर देना, क्योंकि इतने पैसे दे के आपको और भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। कुर्ती की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, बट यस फिटिंग में इशू है, टाइट रहता है। बस्ट से नीचे का जो एरिया है, टमी एरिया, वो पूरा टाइट रहेगा, तो बिल्कुल भी आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। अदरवाइज फैब्रिक बहुत अच्छा है, फ्रंट एंड बैक साइड यू कैन सी बोथ साइड में आपको काफ़ी अच्छा सा ये प्रिंट मिल जाता है। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगा। स्ट्रेट कट में ये कॉटन का कुर्ता रहता है, प्योर कॉटन में, ये मतलब मिक्स फैब्रिक नहीं है, पूरा प्योर कॉटन में आएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप बाई कर सकते हो, बट जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको आप ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ में आपको जो बॉटम मिलता है उसमें भी देखो लिमिटेड फ्लेयर है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर आपको नहीं मिलता है यहाँ पे। सो ये आप देख सकते हो, ये प्लाजो मिलेगा आपको, तो यहाँ पे भी आपको लिमिटेड फ्लेयर मिलता है। यहाँ पे बैक साइड में आपको इलास्टिक मिल जाएगा, इसमें आपको कोई पॉकेट वगैरह नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा मुझे फिटिंग का इशू लग रहा है मेरा बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैंने लिया है, ये एक्चुअली मैंने देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको पिक करा था। ये काइंड ऑफ पार्टी वेयर सूट है, ये फुल कुर्ता सेट रहेगा, हैवी वर्क में है। तो इसका जो पूरा कुर्ते का फैब्रिक है वो सिल्क का है, इसमें जो वर्क है वो पूरा एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का आपको हैवी वर्क मिलेगा। तो अगर आपको किसी शादी पार्टी फंक्शन के लिए कोई अच्छा सा सूट लेना है वाइट कलर में तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये मीडियम लेंथ में आता है और इसमें ना आपको नीचे तक लाइनिंग लगाया मिल जाता है, तो आपको ट्रांसपेरेंट वगैरह का कोई इशू नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हो वर्क जो है काफ़ी अच्छा है। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलेगा, तो स्लीव्स वगैरह में सब में आपको हैवी वर्क मिलता है, पूरी कुर्ती पे ही ओवरऑल वैसे हैवी वर्क आपको मिलेगा। बैक साइड में पूरे कुर्ती पर तो नहीं लेकिन नीचे के बॉर्डर पे आपको ये हैवी सा वर्क मिलता है जो कि ओवरऑल सीक्वेंस में ही रहेगा। इसके साथ में आपको जो बॉटम मिलेगा तो ये रहेगा हमारा और ट्राउज़र, तो ट्राउज़र में आपको काफ़ी अच्छा सा वर्क मिलेगा, मतलब पूरे ही ट्राउज़र में आपको सीक्वेंस का वर्क मिलता है और फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में मिलेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, पहनने पर काफ़ी अच्छा है। साथ में आपको मिलता है सिल्क का दुपट्टा, इस दुपट्टे में आपको पूरे पे सेम आपको सीक्वेंस का एंड थ्रेड का वर्क मिलता है जो कि काफ़ी ब्राइट कलर का दुपट्टा है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। तो डेफिनेटली अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हो, किसी भी शादी पार्टी फंक्शन के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। साइज़ इसके अंदर मैंने लिया है एक्सेल, आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो जो भी साइज़ आपको परफेक्टली आता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का शॉपिंग का हॉल वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।